स्विमिंग पूल है, कितना मस्त है। देखिए इसी में नहाएंगे इन लोग मस्ती करते करते। ये है इतराहा और हम लोग यहाँ आए हैं थोड़ा पार्टी वार्टी करने के लिए, सब आए हैं हम लोग। चलते हैं अंदर देखते हैं। इस तरह है, ये बहुत बड़ा तरह है, स्विमिंग पूल है यहाँ इसके अंदर में, और खाने पीने का भी सुविधा है, लेके भी आ सकते हैं या यहाँ पर खुद मंगा के भी खा सकते हैं, होटल की गाड़ी आ जाती है देने के लिए। और ये इस तरह है, स्विमिंग पूल है खास करके, इसमें अंदर एक साथ में 10-15 फैमिली जाकर स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं, कर सकते हैं। और दोस्तों मैं भी आया था इधर से थोड़ा से एंटरटेनमेंट करने के लिए, देखो घूमने के लिए इन लोग घोड़ा लेके ये कर रहे हैं। मैं भी आया था घूमने और अच्छा लगा, हवा भी दे रही है अच्छी, और ये पूरे फील्ड जो है ना, ये पूरे घोड़ा सवारी, बच्चों के लिए घोड़ा सवारी करना, बड़े भी करते हैं छोटे भी करते हैं, बाइक चलाते हैं, अच्छा लगता है देख के, मेरा भी थोड़ा टाइम पास हुआ। ये देखिए प्लेन जा रहा है, प्लेन यहीं एयरपोर्ट के पास में है तो प्लेन भी जा रहा है, और इधर घोड़ा लेके खेल रहे हैं बच्चे लोग। ये देखो घोड़े, वाह वेरी नाइस। ये सब 10 रियाल करके लेते हैं, मैंने थोड़ा देर घुमाने के लिए, छोटी घोड़ी भी है बड़ा घोड़ा भी है इधर देख सकते हैं, और यहाँ मोटरसाइकिल भी है उसको भी चला सकते हो। कितने खूबसूरत घोड़े हैं देखो, कम हाला था। हाँ कबीर क्या है ना, हाँ ना जी तू बस, हाँ ना जी तू तू राखीदार ला ला ना मार गया, हाँ अभी तैयार है ना, हाँ दिन सुख तैयार है ना, मिन्ना कुल्लू कुल्लू मर रहा कटी
जो भी गाड़ी आते हैं गाड़ी के पास जल्दी से जाकर पहुंचते हैं क्योंकि कस्टमर मिल जाएं और इनको थोड़ा इनकम हो जाए। और यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी में यहाँ खड़े होकर रात भर पब्लिक को एंटरटेनमेंट कराते हैं, पब्लिक घोड़ा सवार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इतने ऊंचे हैं देखो, माशाल्लाह। अभी कस्टमर आ रहे हैं धीरे धीरे और इन लोग का घोड़ा सवारी हो जाएगा, इनको थोड़ा इनकम हो जाएगी। इसे बोलते हैं तुमामा रोड, इसे बोलते हैं तरीक अल तुमामा। देखिए कितनी खूबसूरत रोड है, कितनी अच्छी लग रही है, कितना लाइटिंग लगाए हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत चीज़ें है। ये देखो घोड़े, साइड में घोड़े सवारी कर सकते और बाइक चला सकते, हर चीज़ की खेलने के लिए मिलेगी आपको। और यहाँ पीछे में एयरपोर्ट है और उसके बाद में बड़ी बड़ी होटल सब भी हैं इधर, पहले कुछ नहीं था, अभी सब बन गया, धीरे धीरे सब बनने लगा है। पहले 5-6 साल पहले ये जगह पूरा खाली खाली रहता था, अभी सब बन गया। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है बनाकर, ये सब बनाए हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए एक साइड में मस्जिद, कितनी खूबसूरत मस्जिद है, आप लोग को दिखता होगा लेफ्ट साइड में, कितनी खूबसूरत मस्जिद है, देखें, वाह ब्यूटीफुल। अब मुझे यहाँ से यू टर्न करके घर पे जाना है, यहाँ से मैं यू टर्न ले लूँगा और रूम पे जाऊँगा, फिर और एक ट्रिप लेके आना है, एक ट्रिप ला के छोड़ा हूँ, अभी दूसरे ट्रिप की तैयारी हो रही है। मैंने यू टर्न ले लिया और मुझे जाना है यमीन में, यमीन में जाके रूम पे जाना है, यहीं से थोड़ा दूर रूम पे है, यानी 5 किलोमीटर दूर है ये तुमामा रोड में। इस तरह लिए हैं यहाँ पर, अभी रात भर इधर ही मस्ती करेंगे इन लोग, और हम लोग को भी वहीं पर रहना पड़ेगा। ये देखिए मस्जिद, सही से दिखेगा नहीं लेकिन बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आगे भी एक मस्जिद है दिखा रहा हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों मैं अभी रूम तक पहुँचने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक लाइन गई है, बड़ी बड़ी, ये 440 केबल की टावर जा रही है इधर से। और देखिए शाम का नज़ारा कैसे है, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं अभी घर के पास आ चुका हूँ, अभी और एक ट्रिप यहाँ से लेकर उनको वहाँ छोड़ना है।